चलिए ये बन गया तंदूर, ये रहा घर, यहाँ बनेगा खाना, यहाँ नहाएंगे और पीछे हमारा स्विमिंग पूल है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है दुर्गाष्टमी और हम जा रहे हैं खेतरी विदा करने जमुना जी के घाट पर। तो फ्रेंड्स चलिए, आप भी चलिए हमारे साथ खेतरी विदा करने के लिए और आप भी देखिए जमुना जी का घाट कितना प्यारा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? जय माता दी। फ्रेंड्स, हम आए हैं खेतरी विदा करने के लिए और यहाँ का बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन में हम घर में ही बंद हैं और आज खेतरी विदा करने के लिए आए तो यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा। और दिखाती हूँ फ्रेंड्स, आपको भी नज़ारे दिखाती हूँ यहाँ के। फ्रेंड्स, ये है दिल्ली की जमुना जी। मास्क लगा लो भाई, कोरोना फैला हुआ बहुत ज़्यादा, फोटो खिंचवाने के चक्कर में ना मास्क मत उतार रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं गोवा में आ गई हूँ। इतनी बड़ी जमुना जी मैंने पहली बार देखी है दिल्ली में। सब लोगों ने खेतरी विदा की हुई है और ये साथ में प्लास्टिक भी डाल जाते हैं ना, ये बहुत गलत करते हैं लोग। डॉगी भी आ गया। Thank you.
डिलीवरी में आया था ना अभी 3-4 दिन पहले, खाना नहीं कहता तो दो आ गए ना यहीं पे। अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ का मोटो पर समझ गया, यहाँ पर पानी था, यहाँ पर चीज़ क्या बैठे आज आप हटो 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 सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। पीछे भी जाने देंगे, कई बार ग्राहक कहते हैं ना मान ले चलो जी जमुना जी पे, हम उधर आगे वाली पे लाते हैं। अभी तो कोई नहीं था जब हम आए थे ना। ओ देखो हवाई जहाज आ रहा है, टीना हवाई जहाज। मेरे तो बाल ही उड़े जा रहे हैं, बाल बहुत ज्यादा उड़े जा रहे हैं। अरे हाँ वो पैसे निकालने गया होगा, आदत था ना उनको बेटा। देर तक देखो नीचे है। ये जगतपुर का इलाका है और यहाँ पर है ये जमुना जी, बहुत प्यारी लग रही है। इतनी बड़ी जमुना जी मैंने पहली बार देखी है। ये पुराने पुल पे है, पुराना लोहे वाला जो पुल है। मौसम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सुहावना मौसम लग रहा है, बारिश हो गई। सुबह से बारिश जैसा मौसम है। आज मौसम भी अच्छा है इसलिए भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर यहाँ पर धूप होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, हम फिर खेती विदा करते हैं फटाफट चले जाते हैं। आज मौसम अच्छा है ना इसलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। वैसे तो उधर क्राउड डैम थोड़ा सा। फ्रेंड्स ये घाट हमें इतना अच्छा लगा था कि हम दो दिन बाद फिर से आए थे इस घाट पर, और इस बार हमारे साथ कोमल भी थी। हम कोमल को ये घाट दिखाने के लिए लाए थे, कोमल ने भी यहाँ पर आकर खूब इंजॉय किया था। यहाँ मम्मी भी शुरू हो गई अब नई ट्रिक के साथ। हम बचपन में ऐसे बनाते थे घर। मम्मी फ्लोर वाला बनाना, ऊपर से वो कर दो प्लेन एकदम, ऊपर से माउंटेन जैसा मत बनाओ, प्लेन बना दो, फिर उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाना। ये देखो जी ये हमारा घर बन गया है। मम्मी कैसे बना रहे हो फर्स्ट फ्लोर? अभी देखो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो नींव डली है। लॉकडाउन में हम ऐसे वेल्ले काम कर रहे हैं। मम्मी सीढ़ियां भी बना दो। वही बना रही हूँ, सीढ़ी बना रही हूँ, और ऐसे बनाऊंगी जैसे हमारे यार बिहार की सीढ़ी है ना। मम्मी एक झूला भी होना चाहिए घर में। झूला कैसे बनाऊंगी भाई? ठीक है ये गाड़ी हमारी कोमल की गाड़ी, ये इनके दो फ्लोर बन गए, पहला फ्लोर सेकंड फ्लोर। ये सीढ़ियां हैं चढ़ने के लिए यहाँ पे,
गाड़ी है और एक कोमल की गाड़ी, गाड़ी की डिक्की है, मंदिर घर एक मंदिर। ये देखो कोमल की ये बाइक वैसे बाइक लग रही है, और ये है गाड़ी, और क्या बनाते हैं, और ये है पार्किंग, और ये इसका घर। पार्किंग बना दो, एक मियांक जी बना दो, एक कोमल जी बना दो। क्या ये फूल पत्ती, फूल तो नहीं है, ये झोपड़ी है हमारी, पत्ती पत्ती है। अब देखते हैं कौन कैसे डेकोरेट करता है। ये हमारे घर के बाहर पौधे हो गए हैं, पेड़ हो गए हैं नारियल के। ये रोड जा रहा है ठीक है, हमारा ग्रीनरी हाउस है। ये दोनों ने घर बना लिया, अब अपने पैर धोने गए हैं जमुना जी में, कपड़े भी धोने गए। कपड़े भी धो लो यहीं पे ही। कोमल गाइस आप भी कमेंट करके जरूर बताना किसकी सीटें ज्यादा दूर तक गई। ये कोमल जीत गई। थोड़ा पास पास आगे आ गया तेरे पीछे कौवा। कोई बात नहीं, कौवा है ना, मैं कौवे की माँ हूँ, काले कपड़े वाले। उसने अगर सही में आपको अपनी माँ समझ के पीछे पड़ गया आप भागते रहोगे। आजा मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा बाबू। देखो हमारे घर के पीछे स्विमिंग पूल है। हाँ स्विमिंग पूल तो दिखा, स्विमिंग पूल। अरे वाह, स्विमिंग पूल की बात कर रहे हो, तो नदी है पूरी। नहीं, नहीं। देखो कितना प्यारा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है। एक वो कमल और मियांक का है, और एक ही बाबू जी का और हमारा है। एक में टीना के लिए तो पूरी नदी है। कोमल आटा बाहर जाओ, खुलिया रोटी खा लो, रोटी खा लो, ढाबा खुलिया, ढाबा फ्री दा। बन गी ये बन गया तंदूर, ये रहा घर, यहाँ बनेगा खाना, यहाँ नहाएंगे, और पीछे हमारा स्विमिंग पूल है। फ्रेंड्स आप लोग बताना दोनों घर में से ज्यादा अच्छा कौन सा घर बना है। ये वाला घर कोमल ने बनाया है, जिसमें इसने अपनी गाड़ी और बाइक भी रखी है, और रोड भी बनाया है इसने, और ये वाला घर मैंने बनाया है, मैंने डबल स्टोरी बनाया, और ये नीचे है, और ये ग्राउंड फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर है, और इसे मैंने अच्छे से मनी प्लांट से घर में हरियाली पेड़ पौधे लगाए हैं, और ये मैंने बनाई हैं सीढ़ियाँ, ये मैंने सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए, और ये हमारा है ग्राउंड फ्लोर। छत पे खड़ा हो जाऊँ मैं, टूटेगा तो नहीं? छत पे नहीं आने देंगे हम। और ये कोमल ने हमारा बनाया है किचन, ये चूल्हा बनाया है, ये कोमल ने हमारी किचन बनाई है, और इसके पीछे है ये स्विमिंग पूल। तो फ्रेंड्स बताना आपको ये हमारा घर अच्छा लगा है, और कौन सा घर ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। नदी किनारे एक प्यारा सा घर होगा, सागर किनारे दिल ये पुकारे। तो फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।